मैदान की भूमि का आवंटन प्रशासन द्वारा नवगठित नगर पालिका सिसवाली के लिए कर दिए जाने के विरोध में एवं प्रशासन से आवंटन निरस्त करवाने की मांग को लेकर आज 10 बजे स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में स्कूल के मुख्य दरवाजे पर बैठकर स्कूल खेल मैदान भूमि को नगर पालिका भूमि के लिए आवंटन के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने ग्राम पंचायत एवं जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग की। इससे पूर्व प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने भूमि आवंटन को निरस्त करवाने की मांग को लेकर 8 दिन पहले सिसवाली उप तहसील में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर मांगे नहीं मानने की स्थिति में 7 दिन बाद उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। 19 जुलाई को छात्र छात्राओं ने उप तहसील सिसवाली में पुनः स्मरण ज्ञापन दिया, परंतु अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर आज छात्र छात्राओं ने स्कूल के दरवाजे पर धरना शुरू कर सड़क पर उग्र प्रदर्शन किया तथा शासन व पंचायत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन 3 घंटे तक भी उपखंड अधिकारी ने धरना स्थल पर नहीं पहुंचने पर प्रदर्शनकारी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार में मंत्री प्रमोद जैन भाया का पुतला फूका। खबर लिखे जाने तक एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी था। एबीवीपी ने सीनियर स्कूल के गेट पर धरना देकर मंत्री का पुतला फूका।